जेके न्यूज़ ब्रेक आज आपको बताएगा कि किस तरह से अगर बात की जाए बीएमओ हमारे डॉक्टर महमूद किस तरह से कोविड 19 में जो कि जान हथेली पर लेकर अपनी टीम को जो है हर चौराहे पर हर जगह पर अगर रैपिड टेस्ट की बात करें तो ज़्यादातर इन्होंने जो है लोगों के रैपिड टेस्ट किए हैं और लोग जो बाहर से आते हैं उनको उनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और प्रॉपर उनको जो गाइडलाइन है उस तक पहुंचाते हैं। अगर बात की जाए डॉक्टर महमूद की तो इन्होंने हॉस्पिटल में ये इतना अच्छा कार्य किया इन्होंने कि अगर साफ सफाई की बात करें तो हॉस्पिटल को चार चांद लग चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन भी जा जाती है जिससे काम करने वाले आदमी को कहीं साइड किया जाता है, लेकिन डॉक्टर महमूद अगर बात की जाए तो हमारे सूत्रों के अनुसार इन्होंने हॉस्पिटल को चलाने में बड़ा अहम रोल अदा किया है और अब ये बीएमओ मंजाकोट हैं और कोविड 19 जो कि हम तो इस डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज ही इनको बोलेंगे क्योंकि जहां देखते हैं इनकी टीम होती है रैपिड टेस्ट जहां होते हैं वहां पहुंचते हैं। जी बताइए सर, जिस तरह से आपका काम करने का तरीका है इससे अप्रिशिएट है आपको। जी देखिए, जैसे आपने कहा कि पिछले दिनों से जो कोविड के पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उनमें एक जो ऑल ऑफ ए सडन जो है एक जो है वो स्पाइक हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो उसको देखते हुए जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो हैं उन्होंने हमें आदेश दिया है कि अपने हमें टोन को स्पेशली रजौरी टोन को जो है हमने कैसे सुरक्षित करना है, क्योंकि जो भी एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ से बाहर के लोग जो ट्रैवलर्स हैं या जो भी लोग कहीं से आते हैं तो उनको हम वहीं पे एंट्री पॉइंट्स पे जो जितने भी ब्रिजेस हैं टोन में एंटर होते हैं तो उन पे हमने अपनी टीमें जो हैं वो तैनात करके रखी हैं। वहाँ पे सभी रैपिड टेस्ट भी होते हैं और उसके बाद हम पीसीआर टेस्ट भी जो है वो करते हैं, जैसे 50-50 जो है हमें जैसे ऊपर से डायरेक्शन है वही हम कर रहे हैं। तो जैसे आपने देखा कि पिछले दिनों से रजौरी टाउन के अंदर भी जो बढ़ोतरी हुई है केसेस को उसको देखते हुए हमने सभी टीम्स जो हैं ये चाहे वो सैम्पलिंग टीम हो चाहे वो सर्विलेंस टीम हो उनको हमने हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। तो आपने जैसे देखा है कि हर ब्रिज के ऊपर हर चौराहे पे आपको हेल्थ डिपार्टमेंट का जो है वो कर्मचारी मिलेगा। तो जैसे इसके साथ साथ हमारे जो सीआरपी के जवान हैं पुलिस के जवान हैं इन सब की हमें सहायता मिल रही है। पिछले दिनों जो रजौरी में रेड जोन हुआ तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन की जो हदायत के अनुसार हमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जो है वो काफ़ी हेल्प की जिसके कारण ये संभव हुआ कि हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो रजौरी टाउन के अंदर टेस्टिंग की चाहे वो रैपिड टेस्ट हो चाहे वो पीसीआर टेस्ट हो। तो उससे हमें कम से कम ये पता चला कि हम जो कम्युनिटी के अंदर इसका इंसिडेंस जो है वो कोविड का कितना है। तो ऐसे ही हम जैसे आपने देखा कि हमें ऊपर से डायरेक्शंस के अनुसार जो है हमारी हायर अथॉरिटी की डायरेक्शंस के मुताबिक जो है हम जो फाइन भी करते हैं जो लोग कोविड 19 के एसओपी का प्रॉपर पालन जो है वो उसका पालन नहीं करते हैं, जैसे मास्क नहीं लगाते हैं या गाड़ी में जितने भी लोग छोटी गाड़ी हो या बड़ी हो उसके अनुसार कितने लोग उसमें अलाउड हैं, तो अगर उसमें ओवरलोडिंग होती है तो तब भी हम उसको जो है वो चालान करते हैं। ये हमें ऊपर से जो है वो कंप्लीट इसकी डायरेक्शंस हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स को जो है इसके लिए नियुक्त किया गया है वर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रजौरी की ओर से। तो उसके कारण जो है हम देख रहे हैं कि रजौरी में बहुत बढ़िया कंटेनमेंट है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि दो दिन के बाद हम पूरे टाउन के अंदर जितने भी शॉपकीपर्स हैं और या उनके हेल्पर्स हैं उनके साथ वर्कर्स हैं तो हम सबका जो है वो चेक रखेंगे कि भाई किसका टेस्ट हुआ है किसका नहीं हुआ है, क्योंकि संक्रमण जो है वो पब्लिक डीलिंग वाले जो लोग हैं उनसे जाता है, जैसे शॉपकीपर है जो ऑफिस में काम करने वाला है। जैसे मैं बात करूं कि अभी पिछले दिनों बैंक में काफ़ी संक्रमण हुआ, जम्मू कश्मीर बैंक में, आज भी मंजाकोट की बैंक में चार लोग पॉजिटिव निकले, जवाहर नगर की बैंक को हमें बंद करना पड़ा, जेएनके बैंक को, एलआईसी ऑफिस कुछ दिन के लिए हमें बंद करना पड़ा, कोर्ट कम्प्लेक्स में 10 लोग जो है वो पॉजिटिव निकले। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इसका इंसिडेंस जो है वो बढ़ रहा है, अब ये कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ जा चुका है, मैं तो यही कहूँगा। तो इसको देखते हुए मैं आपके जो चैनल है इसके माध्यम से यही कहना चाहूँगा लोगों को कि वो सुरक्षित रहें, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, जैसे पहले से भी हमारे प्राइम मिनिस्टर की ओर से हदायत हैं या हमारे हेल्थ की जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से भी ये डायरेक्शन दी जा चुकी हैं, हदायत दी जारी कर चुकी हो चुकी हैं कि भाई आप डिस्टेंस का पालन करें, घर में रहें, अगर बहुत जो है आवश्यक ना हो तो तब तक घर से नहीं निकलें, तो वो चीज़ जो है हम फॉलो करेंगे, अगर जाना भी हो तो मास्क लगा के जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार हाथ धोएं,
या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, तो यही चीज़ें हमें बचाने वाली हैं। अभी इसके ऊपर आपको जैसे पता है कि वैक्सीन का प्रयास जो है वो हर कंट्री कर चुकी है, लेकिन अभी किसी को कोई परिणाम नहीं मिले हैं, कोई सफलता नहीं मिली। केवल इसका एक ही रास्ता है कि खुद जो है वो खुद का बचाव खुद करना है, तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजर यूज़ करना और मास्क जो है वो लगाना और गैदरिंग में अवॉइड करना कि बाहर नहीं निकलना है। और स्पेशली आपने देखा कि जो ये स्ट्रेन थी कोविड की, ये प्रॉमिस जम्मू में ये थोड़ी सी वर्यूलेंट थी, इसमें काफ़ी डेथ्स भी हुई हैं, रजौरी में भी डेथ्स हुई हैं जो पहले डेथ्स नहीं होती थी। तो इसको देखते हुए मैंने अपने सभी टीम को हाई अलर्ट पर रखा हुआ और हेल्थ की लोग जो हैं वो कमर कस के, जैसे फौजी जो है वो हमारे जवान बॉर्डर पे खड़े हैं, ऐसे हमारी हेल्थ की टीम जो है वो कंधे से कंधा मिला के जो है लोगों के साथ भी चल रही है। और मुझे पूरा सपोर्ट जो है वो मिल रहा है पुलिस की ओर से भी, सीआरपी की ओर से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, कोई भी इसमें स्टेक होल्डर को, वो सभी लोग मिल के जो है वो इसमें काम कर रहे हैं। मैं ये चाहूँगा आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा पब्लिक को कि वो इन सभी चीज़ों का जो मैंने पहले कही इनका पालन करें। तो एक ही उपाय है कोरोना से बचने का जो मैंने पहले आप बता दिया है, अगर इस पर अमल होगा तो हम सफल होंगे इसको आने वाले टाइम में जो है इसके ऊपर रोक लगाने में। जिस तरह से डॉक्टर महमूद बीएमओ मंजाकोट ने हमसे बात की और कहा कि हमारा जो बेल्ट फोर्स है वो भी हमारा तावन कर रहा है, जी हाँ बेल्ट फोर्स भी तावन कर रहा है। जिस तरह से बोला जाता था जय जवान जय किसान, तो एक लाइन हमारा चैनल और जोड़ना चाहेगा, जय जवान जय किसान जय डॉक्टर। जी हाँ, ये तीन जो अमूल्य लोग हैं, ये जो देश के लिए अपनी जान हथेली पर, अगर फौज की बात करें तो वो LOC पर गोली के निशाने पर रहते हैं, अगर इस समय डॉक्टर की बात करें तो कोरोना के बिल्कुल नज़दीक रहकर लोगों को बचाते हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह से डॉक्टर महमूद बीएमओ ने हमसे बात की और लोगों को हिदायत दी, और लोग भी इसका पालना करें। राकेश शर्मा, JK न्यूज़ ब्रेक, राजौरी।